संपूर्ण खबर को आसीबा घोषणा हला सीबीएसई बोर्ड परीक्षा तारीख फेब्रुआरी 15 रु आरंभ हेबो सीबीएसई परीक्षा उभय दशम एवं द्वादश श्रेणी पर परीक्षा तारीख घोषणा करा जायछि। फेब्रुआरी 15 रु परीक्षा आरंभ होई मार्च 21 जाए दशम एवं एप्रिल 5 जाए द्वादश परीक्षा चलिबो। पूर्वाह्न 10:30 रु आरंभ हेबो सब परीक्षा। सेपरि परीक्षा आगरु प्रश्नपत्र पढ़िबा को 15 मिनिट मिलिबो। परीक्षा संपर्क में अधिक तथ्य पाइबा को छात्र छात्री अभिभावक www.cbse.gov.in वेबसाइट रे लॉगिन करि पारिबे। जेउथरे विस्तृत सूचना उपलब्ध रहितबा सीबीएसई पक्षरु सूचना दिया जायछि। परीक्षा आगरु प्रश्नपत्र पढ़िबा को 15 मिनिट समय मिलिबो एवं फेब्रुआरी 15 रु सीबीएसई परीक्षा आरंभ हेबा को जाउछि। आधुनिक समाज रे मध्ययुगीय परंपरा हाईटेक जुगरे टेंगुरा बजाई दंड गाँवर कंगारू कोर्ट में मिली दंड बिना कौनसी आईनगत उपाय अवलंबन कर बलांगीर सदर थाना मिर्धापाली गाँवर सरोज राउत पर निपाणी बासंद कर मिर्धापाली सरपंच पिंकू पटेल राजनैतिक आक्रोश रखी सरोज को परिवार को एपरी दंड दे अभियोग सरोज को परिवार भयभीत अवस्था थी बेले धान खड़े जीवन काटुचान कंगारू कोर्ट में निर्देश दि जाए राउत पर गाँवर कौन लोक कथबार्ता करे ना गाँ दोकानु से जिनस किए ना जदि कहीं निर्देश को बेखातिर करेंगे तेज गाँव कमिटी निष्पत्ति अनुजाई 5001 टंका जरिमाना देवा को पड़ घटन सरपंच पिंकू पटेल समेत 6 जन ना मामला रुजू हो थाना गणमाध्यम जा घटनार तदंत निर्देश देते जिलापा गत 27 तारीख मिर्धापाली गाँव में आयोजित होता सूर्या जात्रा भिड़ जो साइकिल और मोटरसाइकिल स्टाण कर गाँ कमिटर निष्पत्ति क्रमे गाँवर महाकाल क्लब स्टाण्रु निर्दिष्ट फी आदाय कर तेज साइकिल स्टाण्रु आदाय टंका को नहीं अभियोग आनी सरोज राउत एथपाई सेठे क्लब सदस्य और सरोज मध्य पाटितुंड होता सेपर घटना को नहीं गतका पोखरी तुठे राउत पर क्लब पिला पुणि थे बचसा होता तापर राति बसला कंगारू कोर्ट गाँव रू गोटे साइकिल स्टाण सुलिया जात्रा जेन आसी साइकिल स्टाण से आम टेनर देखूँ सेन विशृंखला जिते कहली कहली जिते का राति मत मीट डाक जबत्य कले आर 50,000 टाँह फाइन मागले ना मुड़िया मार बोले मुई दिए ना तुम जहाँ करवा चे कर बोली राति से जेन टेनर नहीं साइकिल स्टाण बाबद पिलाजर क्याजर लगे पे डाक गाँव में सेटा गाँ कमिटी डाक सरपंच मेम्बर के कहे नहीं डाक जाए नहीं मुझे कार विरोध रे तक नहीं कहते सूच के काम रे और मत मन ना जो विरोध करे से समस्ते जान छन किए कण कर नहीं नहीं बड़ गाँ के कहना उसके नहीं नहीं जब भी भुड़ी छो भूल माग बोली मुड़िया डे मार बोली कहन से यार से राजनीति नौ से कथा किए केन्दुझर जिले में महिला चाषी सफलता महिला माने बंधाकोबी चाषरु लक्षाधिक टंका रोजगार कर पारुछन्ति। झुंपुरा ब्लॉक गंडबरई गाँवर 70 जन महिला 20 एकर जमीन में बंधाकोबी चाष कर महिला माने 4 लाख टंका बंधाकोबी बिक्री करथिबा बेले आग को 7 लाख बंधाकोबी बिक्री करने को आशा बांधि केन्दुझर जिला झुंपुरा ब्लॉक धनुर्जयपुर पंचायत गंडबरई गाँ गाँव में सबुज पनीपरिवार संभार अन्यान्य परिपरिवा सहित बंधाकोबी में भरी जाइछि समस्त बाड़ी बगिचा एभली कमाल कर देखाई गाँवर किछि महिला घरे काम सह चाष काम कर जमीन में महिला माने सुना फलाई गत किछि दिन हला बंधाकोबी बिक्री करी सेमाने 4 लाख टंका ऊर्ध उपार्जन कर बंधाकोबी बहुत बढ़िया है छे बड़ो बड़ो है छे केमती कोन केते बिक्री करले केते आगु केमती कोन बिक्री करले बिक्री अल्प है छे आ आगु हबो आमे तो बहुत आशा छे बिक्री करबा पई रेट पुणी हबो बोले आशा करिछु वर्तमान 4-6 दिन हला रेट खसी जाई छे आगु को बढ़बो बोले आशा करछु आ केते कोन लाभ नैबे लाभवान खर्च होइछिटा हो सर आ लाभवान आ हेबार लक्ष्य केते हेबो आ गाँव रतुरी जन महिला गठित होती माँ गंडकेश्वरी उत्पादिका गोष्ठी सेमान को उन्नत मान बंधाकोबी चाषपी आईडिया स्वेच्छासेवी संगठन द्वारा वैषयिक सहायता प्रदान कर फल महिला माने निज बाड़ी बगिचार पखापाखि 20 एकर जमीन में बंधाकोबी चाष कर 4 लाख टंका आय कर महिला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖପାଖରେ ବନ୍ଧାକୋବିର ଦର କମ୍ ଥିବାରୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ଉତ୍ପାଦିକା କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ଏହି ବନ୍ଧାକୋବି ବଡ଼ବିଲ୍, ରାଉରକେଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବିକ୍ରି କରି ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟାଇଛି ହସ। ଆମେ ମିଶିକି ଏଇ ଚାଷ କାମ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ପର୍ସନାଲ ଜେଜା ବାଡ଼ିରେ ବି ଆମେ କରିଛୁ। ଆମ ପିଜି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି କରିଛୁ। ମା ଗଣ୍ଡକେଶ୍ୱରୀ ଆମ ପିଜିର ନାଁ। କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବୁ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଭଲ ବିହନ ଦେଇକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ମଝିରେ ଦେଉଛୁ, କେମିତି ଚାଷ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଲଗେଇବେ। ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। 70 ଜଣ ମହିଳା 20 ଏକର ଜମିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷରୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡବରେଇ ଗାଁର ଅବଗର ମହାପାତ୍ର, News 18 ଓଡ଼ିଆ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। କମାରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଜାମେଳି ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ମନମାନିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ। କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 48 ଗାଁ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୋସ୍ତବ ଖଣି ଲିଜ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ଏବଂ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ମାଥିଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ। ଗୋଟେ ସିଡଲ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ସିଡଲ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା କଥା ତା ନ କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ଇଏ ନକଲି ଗ୍ରାମସଭା, ନକଲି ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ନଥିପତ୍ର ତିଆରି କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିରୋଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ କେବେ ବି ଏ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମରବେ ପଛେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରାଜ। ରାଜ୍ୟର ଆମର ରାଲି ହେଉଛି ମାନେ ସେ କୋକରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ, ତାପରେ କସ୍ତବଙ୍କ ପାଣି ବିଷୟରେ ନେଇ। କୋକରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍? ଆମର କୋକରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍। ହେଲେ ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସାର୍। ଗାଁ ତ ସବୁ ଗର ଥିବ ନାହିଁ, 2018 କେତେ ଗରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାର୍, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ଗାଁ ବୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେତିକିରେ ବି ଆଉ ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିବ ତ ଆମର ଏରିଆ ରହିବ ନାହିଁ ଆହୁରି। କୋକରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଏଠି 54 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଏ 54 ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି। ଯଦି ବା କୋକରାଲ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତି ପୋଲାଭରମରେ ହୋଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପୁଣି ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ହେବ। ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଏଥର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୀତରେ ଝୁମାଇଲେ ଏବଂ ନଚାଇଲେ ବଲିଉଡ୍ର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜାଭେଦ ଅଲି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁବାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଥିଲେ ଜାଭେଦ। ଜାଭେଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜାଭେଦ ଅଲିଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କନ୍ସର୍ଟ ଦେଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଶୁଣି ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାଲ। ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବର ସ୍ମରଣିକା ଶାମୁକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ମହୋତ୍ସବର ଶେଷ ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଟ୍ରଫି। ଏହି ଟ୍ରଫିକୁ ମଞ୍ଚରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆତା ରହା ହୁଁ, ଲେକିନ ଗୋପାଳପୁର ପହଲି ବାର ଆୟା ହୁଁ ଔର ମୁଝେ ବେହଦ ପସନ୍ଦ ଆୟା ଔର ଇତନି ଭାରି ତାଦାଦ ମେଁ ୟହାଁ ପେ ଅଡିଏନ୍ସ ରହତି ହୈ, ମେଁ ବହୁତ ସୁନକେ ବହୁତ ହୈରାନ ରହ ଗୟା। ଔର 2 ସାଲ ପହଲେ 3 ସାଲ ପହଲେ ହମ ଲୋଗ ନା ସୋଚ ରହେ ଥେ କି ୟେ ୱକ୍ତ ଆଏଗା ହି ନହିଁ ଆଏଗା, ଲେକିନ ବହୁତ ସାରେ ହମ କନସର୍ଟସ କର ରହେ ହୈଁ କି ଜିନ ମେଁ ବହୁତ ଭାରି ତାଦାଦ ମେଁ ଲୋଗ ଆ ରହେ ହୈଁ, ତୋ ଗୋପାଳପୁର ଭି ଏକ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଜଗା ହୈ ଜହାଁ ପେ ଇତନି ତାଦାଦ ମେଁ ଲୋଗ ଆଏ ହୁଏ ଔର ହମାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ହୈ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଇତନା ସାରା ପ୍ୟାର ଦେନେ କେ ଲିଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନରେ ସଂଯୋଗରେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାହା ଅତୀତ ଗୌରବ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି,
ताको आकृष्ट करिपारिछे आमे संपूर्ण भाव में सफल होती बेलाभूमि महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री प्रचेषा ब्रह्मपुर सहर में मध्य एक महोत्सव शिलचित्री महोत्सव होता है जोटा आप आज आम अनुल कलु से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी ये आम समस्त मनोरंजन से आम खुराक जोगे आम भेट देखते हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके प्रदर्शन करके यहाँ के ऑडियंस की रिसीविंग और यहाँ के सब लोगों की यहाँ की कलेक्टर जी को तो बहुत बहुत थैंक्स, डीआरडीओ ऑफिशियल्स को बहुत बहुत थैंक्स, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लगवाए हैं उन लोगों को तो बहुत 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 थैंक्स। बहुत एक्सपेक्टेंस जावेद अली तरफ कहीं माल मानी को शो बहुत बढ़िया होता है फैंटास्टिक होता तो मुझे भावुँ आज आज एनर्जी बढ़ी बढ़ी जब बहुत बढ़िया लगे जेहतु कि आज लास्ट डे तो किट नन्हीपरी लिटिल मिस इंडिया प्रतियोगितार ग्रांड फिनाले अनुष्ठित हो जाइछि। किट पक्षरु किट क्रिकेट ग्राउंड रे आयोजित होइतिला स्वतंत्र कार्यक्रम किट नन्हीपरी लिटिल मिस इंडिया ग्रांड फिनाले रे 19 राज्यर प्रतियोगी भाग नैथिले। तबे प्रतियोगिता रे 15 रु 17 वर्ष बयस नन्हीपरी भाग नैथिले। रैंप रे वॉक करी प्रतियोगी जलवा देखाइथिले। ट्रेडिशनल सह मॉडर्न कॉस्ट्यूम रे रैंप रे कैटवॉक करथिले। ए ग्रैंड फिनाले रे किट एवं किस रो फाउंडर तथा बीजेडी सांसद अचित सामंत मुख्य अतिथि भाबे जोग देथिले। से परि चलचित्र अभिनेता सब्यसाची मिश्र एवं अभिनेत्री अर्चिता साहू अन्यतम अतिथि भाबे जोग देथिले। आपण मैंने समस्ते किट नन्हीपरी विषय जानते 2000 मसीह यहाँ आरंभ होर जन्म नहीं मलय महापात्र जन्म देते यहाँ गोटे ओडापी गर्व गौरव जे लिटिल मिस इंडिया किट नन्हीपरी गोटे जन्म नहीं एक विराट रूप बा ख्याति अर्जन करोटा कि भारत वर्षर लिटिल मिस इंडिया कंपिटिशन नेशनल लेवल के करना आगु पे जाते बाहर को विभिन्न क्षेत्र में से स्पोर्ट्स कथा हो कि फैशन कथा हो कि क्रीड़ा कथा हो सबुतिर बाहर को जाते आज ओडिशा तार परिचय वर्तमान फैशन ये भी तार स्वतंत्र परिचय आखत भारत वर्षर बर्तमान झील मैंने आसटा डिफरेन्ट सिट 19 स्टेट रू पाने आज निज कलचर को रिप्रेजेंट कर सुंदर भाव से आटायर में कलचर को देखले मत तो लगला जो बोधे मुझा सिटी को बुल पलैसली आम गोटे मिनी इंडिया को स्टेज रे देखिलु बहुत भल लगला जो मैंने पार्टिसिपेट करते निहाती भाव आगामी दिन में ग्लामर फिल्ड निजर निजर ना सृष्टि करेंगे आने आज ये जो ग्रूमिंग सेशन जहाँ सब शिखी जाऊँगी बहुत हेल्पफुल हम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अध्यक्ष मुकेश अंबानी सान पु अनंत अंबानी खूब शीघ्र बहुत बंधन में बांधि जाऊँच आज राजस्थान नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में राधिका मर्चांट अनंत निर्बंध संपन्न हो राधिका होती शैला और बीरेन मर्चांट झील ए अवसर में अंबानी और मर्चांट परिवार सदस्य बंधुबांधव उपस्थित थे पर अनंत और राधिका श्रीनाथ जी का आशीर्वाद नहीं अवसर में मंदिर परिसर में अनुषित पारंपरिक राजभोग श्रृंगार कार्यक्रम में उभय भाग नहीं अनंत राधिका परस्पर को बेस किसी वर्ष धरी जानते अनंत अमेरिकार ब्राउन यूनिवर्सिटी पाठपढ़ा शेष कर शेषे यापर से रिलायंस इंडस्ट्रीज विभिन्न बोर्ड सह जोड़ीबद्ध हो जाते सफ जिओ प्लाटफर्म और रिलायंस रिटेल भेन्चर्स सदस्य अच्छा बर्तमान से रिलायंस इंडस्ट्रीज एनर्जी बिजनेस नेतृत्व नौकरी राधिका मर्चांट न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री हासिल करते से इनकोर हेल्थ केयर बोर्ड निर्देशक भाव काम कर निर्बंध शेष होवापी प्रस्तुति आरंभ हो उभय परिवार राधिका और अनंत नुआ जात्रापी समस्त आशीर्वाद और शुभेच्छा कामना कर यहाँ पे जो व्यवस्था है वो अंबानी परिवार की तरफ से भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ से कम 10 से 12-15 हज़ार आदमी का जो खाने का भोजन है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही है और अच्छी जो यहाँ पे खाने की व्यवस्था और हर चीज़ की सुविधा जो उनको अच्छे से उपलब्ध हुई है उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था रही है खाने भोजन की और काफ़ी लोगों ने यहाँ का उत्साह का आनंद लिया है और सब ने तारीफ भी की है और सबको हर तरीके की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। बहुत आनंद आ गया एक नंबर खाना जो खिलाने वाला का भी आनंद आ गया बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और अंबानी परिवार को धन्यवाद। अनुकूल को नुआ वर्ष भेटी
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି 1805 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ SHG ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର SHG ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 242 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 75,000 ମା ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ପ୍ରମୁଖ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଗୁଳ ବରଳରାମ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀଗଡ଼ାଠାରେ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିପୂଜା କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ଜାପାନ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ 308 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ସରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2 ବର୍ଷରେ ସରିବ କାମ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭଳି ସୁବିଧା, ଫୁଟ୍ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, ଏସ୍କାଲେଟର, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିବ। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଓ 6 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ହେବ ନବୀକରଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ଓ ପୁନଃ ବିକାଶର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଚଳନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 36 ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଲିକ ପାଇଁ ପୁଣି ଥାନାରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଦାବେଡ଼ା ଗାଁରେ ପାରମ୍ପରିକ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ନାମରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ କାବୁ କରିନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 1200 ଟଙ୍କା, 3 ଗଞ୍ଜା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ 2 ଜୁଆଡ଼ିଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଥାନାରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି 3 ନିରୀହ ଗଞ୍ଜା। କୁକୁଡ଼ା 2 ଆଉ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାଝି ଲଗାଉଥିଲେ 1200 ଟଙ୍କା, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ 10 ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ। କୁକୁଡ଼ା ଗତକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଜିମାରେ ଦେଇଦେବୁ, ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରି ଜିମା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରୁ ଗାୟବ ଶୀତ, ପୌଷ ମାସରେ ବୈଶାଖର ଉଷ୍ମତା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶୀତ ବଦଳରେ ରାତିରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଦିନରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏଥିସହ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। टेम्परेचर तो नॉर्थ इंटीरियर ओडिशा में बहुत जगह पर तापमान बहुत ज्यादा 5 डिग्री तक ऑन एवरेज नीचे गिरा है, और नॉर्थ कोस्ट ओडिशा में भी तापमान मिनिमम टेम्परेचर है गिरावट दर्ज की गई है। गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी, कटक, केंद्रपाड़ा, अनुगुल, ढेंकनाल, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, जगत सिंहपुर और मलकानगिरी, भुवनेश्वर में फोग होने का उसका पार्टली क्लाउड स्काई होने की संभावना है। କନ୍ଧମାଳରୁ ଶୀତର ଲୁଚକାଳୀ ଖେଳ, କେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ତ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୀତ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶୀତ କମ୍ ହେବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଶୀତବସ୍ତ୍ରର ବି ଚାହିଦା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 4 ବାଜିଲେ ସେମାନେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଥଣ୍ଡାରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୋର ଭୋର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମୁନାହିଁ, ଯାହା ଆଗ ବର୍ଷରେ ଜମିଥିଲା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଜମିଥିଲା, ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୋଲି କିଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ, ମାନେ ଏମିତିକି 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ମାନେ 6-7 ଡିଗ୍ରୀକୁ 5 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତା'ର ଇଏଟା ପଳାଇ ଆସେ।
किंतु ए वर्ष कहीं आीत आसी फेरी जाऊँ किंतु एबे माने शीतर प्रकोप 5-6 डिग्री रहा कथा कहीं माने 12-13 डिग्री एम सब। भुवनेश्वर स्टेशन रे हेबो नवकळेबर भूमिपूजन कले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केन्द्र कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। खर्च हेबो 308 कोटी, 2 वर्ष रे सरीबो काम। एयरपोर्ट भली दिसिबा ओ एयरपोर्ट भली समस्त सुविधा सुजोग भी मिलिबो। आगकु 36 स्टेशन रे हेबो नवीकरण। बीजेडी भुवनेश्वर विधायक कहिले बहु वर्ष आगरु थिला प्रस्ताव, विलंबरे आरंभ कले काम। विश्वस्तरीय हेब भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन देखा मिलिबो जर्मनी और जापान भली झलक। यात्री को मिलिबो विमान बंदर भली सुविधा। बदलिबो भुवनेश्वर रेल स्टेशन रो रूपरेख। यात्री को मिलिबो विश्वस्तरीय सुविधा सुजोग। भुवनेश्वर रेल स्टेशन रो हेब पुनः विकास। रेल स्टेशन पुनः विकास पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। खूब शीघ्र आरंभ हेबो प्रकल्प काम। आउ देखाइछंती एमिति देखा जीवो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। खूब शीघ्र काम हेबो। आपण मन देखिबे एक जाउची स्टेशन रो लागो देखिथि ए कोटा एडिया किनो दियो वर्ल्ड जर्मनी जानतु जापान देखतु जे कोन सिंगिया देखतु ए भली स्टेशन दा वर्ल्ड क्लास स्टेशन रो पास के स्टेशन का भी देख। मेगा प्रकल्प पाई 308 कोटी टंका व्यय बराद। मास्टर कैंटीन ठारे 11 महला विशिष्ट बिल्डिंग हेबो। प्रथम पर्याय रे 4 महला परे हेबो 7 महला। पुरुणा स्टेशन रे 4 ओ 6 महला विशिष्ट 2टी बिल्डिंग हेबो। यात्री को विश्राम करबा पाई रहिबो स्वतंत्र लाउंज। स्टेशन रे रहिबो 34टी एक्सेलेटर सह 20टी लिफ्ट। खाद्य पानीय शौचालय पाई स्वतंत्र ओ अत्याधुनिक व्यवस्था। प्रतिदिन 1.5 लाख यात्री को जायस पाई व्यवस्था हेबो। स्टेशन प्रवेश पथ को प्रशस्त और उन्नतीकरण करा जीवो। स्टेशन रु प्लेटफॉर्म समेत जेपरी विमान बंदर रे सुविधा थाए से सब भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे करा जीवो बोली कहिसेंती रेलमंत्री। सेहीपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिसेंती मोदी सरकार लाइटनिंग स्पीड रे काम करुछंती। एबे संबलपुर हावड़ा ट्रेन को महिमा गोसाई नारे करबाकू से निज अभिभाषण रे दाबी करिसेंती। बंधुगण ये मोदी सरकार लाइटनिंग स्पीड ये अश्विनी वैष्णव करा नुआ कमाल। मोर निवेदन ये जो संबलपुर हावड़ा ट्रेन अपन आज झंडी देखे के प्रहलाद जोशी जी को साक्षी रखे के चले गए महिमा जोरंदा गांधी अनुरू ढेकाना अनेक अनुजाई मानक अंचल से ट्रेन नाम और विनम्र निवेदन महिमा गोसाई नारे समर्पित करा जाऊ। भुवनेश्वर समेत ओडिशा रे 36 स्टेशन रो हेबो नवीकरण। खूब शीघ्र भद्रक को एक स्वतंत्र ट्रेन रो व्यवस्था करा जीवो। ओडिशा रे जगन्नाथ सर्किट ट्रेन चालिबो। अन्य पटे भुवनेश्वर रु जलेश्वर पर्यंत नुआ मेमो ट्रेन रो शुभारंभ होईछि। भुवनेश्वर स्टेशन भूमि पूजन उत्सव रे जोग देई भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी कहिसेंती साकार हेबाकू जाउछि बहुदिन रो स्वप्न। अश्विनी वैष्णव रेलमंत्री हेबार 2 दिन परे साक्षात करी भुवनेश्वर स्टेशन रो नव कळेबर पई दाबी करथिली। तेबे काम किपरि क्षिप्र गति रे हुए एहा ताहार प्रमाण बोली कहिसेंती अपराजिता। सेहीपरि जलेश्वर मेमो ट्रेन चलिबा नै स्वागत करिसेंती सांसद प्रताप षडंगी। सेपटे भद्रक को मेमो ट्रेन आरंभ करबाकु दाबी कले धामनगर विधायक सूर्यवंशी सूरज। श्री अश्विनी वैष्णव जी को बारंबार अनुरोध करथिली से भी बहुत तांकर इच्छा शक्ति प्रदर्शन करथिले। आउ ए जगार सर्वांगीन विकास केमती हबो ए दिगरे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार और तांकर समस्त सहकर्मी माने लागी छंती गोटे टीम हिसाब रे। बालेश्वर रे जलेश्वर को जो मेमो ट्रेन गडुची या द्वारा ग्रामीण अंचल रो चासी मूलिया चाकरिया एमने समस्त उपकृत हबे। लोक माने जो ऑफिस को यातायात करि परिबे निजर माल सुविधा रे परिवहन करि परिबे ता छडा एक सस्ता एवं आरामदायक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हबो। ए दृष्टि आमे माननीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को हृदय स्वागत करछु अभिनंदन करछु। मु कृतज्ञता ज्ञापन करबी रेलमंत्री को जे से साधारण सभा रे मात्र 2 घंटा भितर कहिथिले जे खूब शीघ्र जे रेल सेवाटी स्थगित अछि ताहाकु पुनर्स्थापन करा जीवो आउ थरे
से सेवा को भद्रकवासी को जगे दिजिव तेणु मोदी सरकार कार्य कर क्षिप्रता तीव्रता यह उदाहरण भाव नहीं पार। भुवनेश्वर स्टेशन रो उन्नतीकरण पांच वर्ष होब दाबी होई आसुची काम आरंभ करिवारे विलंब होईची एबे केन्द्र और राज्य मिसी केमिति उन्नति होई पारिबो लोके किपरि सुविधा पाइबे ताहा करिबा दरकार बोली भुवनेश्वर विधायक अनंत नारायण जेना कहिसंती। ए सुंदर सिटी भितरे एबे वर्ल्ड क्लास आपन देखिबे वर्ल्ड क्लास शहर बोली आपनकर 16टा कंट्री रो आपन लोकमान आसुते एटी खेलिबा पई ए राज्य तेंकर आम माने समते कौन से राजनीतिक उद्देश्य ना मनोवृत्ति रहा दरकार जो उन्नति भाई कार्य करें जो मैंने एम्प्लयमेंट अधिका मात्रा पाए युवशक्ति हूँ छात्र शक्ति पाए ओडिशार आहुरी अग्रगति हम केवल रेलवे नुहे टेलिकम सेवा जोगाई देवारे केन्द्र आगे रही है। जनवरी 26 पूर्व ओडिशा को मिल 5G सेवा गाँ गाँ में पहुंच टेलिकम सेवा। भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्रों सह निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। Oh,